अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मन्नत के नाम पर घंटी बांधना कैसा और कपड़ा वगैरह बांधना कैसा? जैसा कि बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाते हैं और जाने के बाद वहां पर एक मन्नत मांगते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो हम ये धागा खोल देंगे, इस तरीके से। यानी कि जाके वहाँ पर धागा बांधते हैं और उसी वक्त ये मन्नत रखते हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए या मेरी नौकरी लग जाए या फिर मैं अमीर बन जाऊँ। और भी जो लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है, जो मन्नत रखनी होती है, वो सारी चीज़ें रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर होता क्या है कि छोटी छोटी घंटियाँ मिलती है, वो घंटी ले जा करके दरवाजे पर, एक आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोग बांधने का रिवाज रखते हैं तो वहाँ पर जो दरवाजे होते हैं और दरवाजे के सामने जो दीवारें होती है वो बिल्कुल जंजीर की होती है, यानी कि लोहे की होती है। और जगह जगह पर वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल खाली होता है। तो वहाँ पर बांधने का एक स्कीम होता है, बांधने का एक तरीका दिया रहता है कि यहाँ पर आप बांधेंगे। और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, मैंने देखा है कि एक मज़ार शरीफ वहाँ पर जो है पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ जो है वो थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है और वहाँ पर जा करके लोग धागा बांधते हैं और उसी वक्त मन्नत करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो फिर ये धागा मैं खोल दूंगा। और ज़्यादातर ये औरतें करती हैं। तो देखिए, इसके बारे में बताऊँ मैं आपको साफ लफ्ज़ों में। सबसे पहली बात तो ये है कि मज़ारात में औरतों को जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। औरतें अगर जाती है तो किताबों में आता है कि जब कोई औरत मज़ार जाने की नीयत से घर से बाहर निकलती है और जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती है तब तक अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाते रहते हैं, क्योंकि वो गैर महरम है इसकी वजह से। ठीक है, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करूँगा, इसमें और भी तफसीली गुफ्तगु है। लेकिन मैं आपको और बताऊँ कि मन्नत जो मांगने का जो तरीक़ा है वो ये नहीं है कि आप कहीं भी धागा बांध दें, कहीं भी घंटी लटका दें, ये नहीं। मन्नत मांगने का जो तरीका है वो ये है कि या अल्लाह, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 रोज़े रखूँगा, या फिर अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँगा, अगर औरत है तो खाना खिलाऊँगी, फिर या फिर इस तरीके से मांगे कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई, यानी कि जो काम मैंने सोचा है या कोशिश करी है वो काम अगर मेरा हो जाएगा तो मैं फला बुज़ुर्ग के बारगाह में हाज़िरी दूंगा, या फिर फला बुज़ुर्ग के बारगाह में वहाँ पर जो मिस्कीन है, जो गुरबा है, वहाँ जाकर उन लोगों को खाना खिलाऊंगा। इस तरीके की मन्नत मांगी जाती है। मैंने इस पर एक तफसीली गुफ्तगू की है और मुकम्मल एक वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मन्नत रखने का क्या तरीका और मन्नत आप कैसे रखेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि घंटी बांधते हैं और जो रस्सी वगैरह बांधते हैं, ये सारी चीज़ें एक जाहिलाना ख्याल है और कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं होता। अरे मन्नत को उससे क्या लेना देना, और बुज़ुर्ग को, जिस बुज़ुर्ग के बारगाह में गए हैं वहाँ पर आप जो मन्नत रख रहे हो तो उनको इससे क्या लेना देना, धागा और घंटी से क्या लेना देना। हाँ, आपको ये करना चाहिए कि अगर उस बुज़ुर्ग के बारगाह में गए हैं तो वहाँ जा कर के आप ये कहें कि हुज़ूर मेरा ये काम कर दीजिए, मैं मन्नत रखता हूँ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं दोबारा आपकी बारगाह में हाज़िरी दूंगा। ये आप कर सकते हैं, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि हुज़ूर मेरा ये रुका हुआ काम हो जाए, मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं मन्नत रखता हूँ कि अगर ये काम हो गया तो मैं आपकी बारगाह में आकर के जो गरीब हैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, या फिर कहीं मस्जिदें तामीर करवाऊंगा, या फिर कहीं मदरसा तामीर करवाऊंगा, या रोज़ा रखूंगा, इस तरीके के मन्नत रखेंगे। लेकिन आप धागा बांधेंगे, घंटी बांधेंगे, ये सारी चीज़ें जाहिलाना ख्याल है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दें, यह आपकी मेहरबानी होगी, ताकि जो इस तरीके के खुराफात और जाहिलाना काम में मशगूल है वो इन तमाम चीज़ों से रुक जाए और क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीज़ें वो जान जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।